हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमृता। मेरे चैनल अमृता कुकिंग की रेसिपी पर आपका स्वागत है। आज बनाने जा रहे हैं सोयाबीन से सोया पनीर। तो बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे सोयाबीन को हमने 8 से 10 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रखा है। आप ओवरनाइट सो कर सकते हैं। ऐसे ही हाथों से मसल कर छिलका निकाल देंगे। 4 से 5 बार ऊपर का पानी निकाल कर आप छिलका अलग कर सकते हैं। सोयाबीन से सारे छिलके निकाल दिया है। मिक्सर जार में थोड़ा थोड़ा करके सोयाबीन को डाल दें। पानी देकर स्मूथ पेस्ट बना दें। एक छन्नी ले जाएंगे, ऊपर सूती कपड़ा डाल दें। 1 से 2 लीटर पानी डालकर बैटर को पतला कर लेंगे। कपड़े के ऊपर बैटर को डाल दें और हाथों से स्क्वीज कर लें। ऐसे ही दूध को निकाल देंगे। गैस के ऊपर दूध को चढ़ा दें। 8 से 10 मिनट के लिए बॉईल कर ले। ऊपर का झाग निकाल देंगे ताकि सोयाबीन का स्मेल ना आए। इसमें आप और थोड़ा पानी डाल देंगे, हमारा बन जाएगा सोया मिल्क। विनेगर के साथ पानी देकर थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे। ऐसे ही दूध को फाट देंगे। आपको जितना पनीर निकालना है उसी हिसाब से सोयाबीन लीजिए। यहाँ पे हमने 300 ग्राम सोयाबीन लिया है, उसी हिसाब से 300 ग्राम के ऊपर पनीर निकल कर आएगा। दूध को अच्छी तरह फाड़ने के बाद फिर से सूती कपड़े में छान लें। पानी ऊपर डाल देंगे, गरम थोड़ा चला जाए ताकि कपड़ा को अच्छे से पक सकते हैं। हाथों से अच्छी तरह स्क्वीज कर ले। कपड़े से अच्छे से ढककर एक भारी बर्तन ऊपर रख दे। आधे घंटे के बाद पनीर सेट हो जाएगा। इसे एक बार पानी से धो लेंगे। अच्छी तरह पनीर सेट हो गया है। कट करके दिखाती हूँ। सोया पनीर बहुत ही सॉफ्ट बना है। आप सोया पनीर को चिल्ली मंचूरियन या ग्रेवी करके बना सकते हैं। आपको ये रेसिपी कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए।